हाय व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेथी वाले आलू के चंदे बनाना बताऊंगी। आधा किलो आलू लेकर मैंने इस तरह से काट लिया है और इन्हें छलनी में धोकर रख दिया है। अब मैं डाल दूंगी कुकर में एक बड़ा चम्मच ऑयल, अब तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डाल दूंगी इसमें आलू, दो मिनट इनको फ्राई करूंगी। अब देखिए, दो मिनट फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें सभी सामान डाल दूंगी। दो टमाटर, आधी छोटी चम्मच जीरा, एक चम्मच नमक, कूटी हुई एक चम्मच मिर्च, कूटी हुई है ये मैंने कूट कर रखी हुई है, और पत्ते वाली मेथी सुखा कर रखी हुई है मैंने। अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल दें, नहीं तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसको कुछ देर फ्राई होने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी। पत्ते वाली मेथी से बहुत ही खुशबूदार बनते हैं ये आलू के चंदे, आप ज़रूर बनाकर देखिए। ये देखिए, सभी सामान डालने के बाद मैंने दो मिनट और फ्राई कर लिए हैं इनको। अब मैं डाल दूंगी आधा कप पानी, दो सीटी लगा लूंगी मैं इसमें। देखिए, आलू के चंदे हो गए हैं बिल्कुल तैयार। आप इन्हें नाश्ते में बनाइए, पराठों के साथ, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।